खबरें मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं, पहली अच्छी और दूसरी बुरी। लेकिन कई खबरें होती हैं जिनमें आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये बुरी हैं या अच्छी। ऐसी एक खबर सिडनी से आई है, इंडियन विकेट कीपर ऋषभ पंत चोटिल हो गए हैं। अब इस खबर की कंफ्यूजन से आप जब तक उबरें तब तक एक खबर और बता देते हैं, रविंद्र जडेजा भी चोटिल हैं। इस वाली के बारे में तो हम कंफर्म हैं, ये बुरी खबर है। पहले बात पंत की चोट की। भारत की पारी का 85वां ओवर, पैट कमिंस अच्छी लाइन से बॉलिंग कर रहे थे। राउंड ऑफ द विकेट आकर उन्होंने ओवर की 5वीं गेंद छोटी रखी। पंत ने इसे पुल करना चाहा, उन्हें लगा कि बॉल ऊपर होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बॉल थोड़ी नीची रही और इसी के चलते बल्ले की जगह बॉल सीधे जाकर उनकी बाई कोहनी पर लगी। पंत तुरंत जमीन पर बैठ गए, फिजियो आया, थोड़ी देर इलाज चला और पंत फिर बैटिंग के लिए तैयार हो गए। लेकिन उनकी पारी बहुत लंबी नहीं चली। 88वें ओवर की चौथी बॉल पर उनकी पारी का अंत हो गया। हेजलवुड की ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को उन्होंने ड्राइव करने की कोशिश की, लेकिन बॉल ने बल्ले का किनारा लिया और सीधे फर्स्ट स्लिप की ओर बढ़ गई। वहां खड़े डेविड वार्नर ने इसे लपका और पंत 36 रन बनाकर आउट हो गए। इसके कुछ देर बाद आया पारी का 99वां ओवर। मिशेल स्टार्क बॉलिंग कर रहे थे, पारी की चौथी बॉल शॉर्ट पिच थी। अजीब ढंग से उठी इस बॉल को जडेजा ने किसी तरह डिफेंड किया। सबने राहत की सांस ली कि चलो आउट नहीं हुए, लेकिन तुरंत ही समझ आ गया कि ये आउट होने से ज्यादा नुकसानदेह है। जड्डू ने तुरंत ग्लव्स उतारे और फिजियो अंदर आ गया। थोड़े इलाज के बाद जड्डू पहले से बेहतर दिखे, लेकिन उनके बॉलिंग वाले हाथ के अंगूठे में सूजन अब भी थी। उन्होंने किसी तरह मोहम्मद सिराज की मदद से अपने ग्लव्स पहने और बैटिंग जारी रखी। हालांकि उनका संघर्ष बहुत लंबा नहीं चला। 101वें ओवर की चौथी बॉल पर कमिंस ने सिराज को टिमपेन के हाथों कैच करा दिया। इसके साथ ही भारत की पारी 244 पर सिमट गई। पहली पारी के आधार पर ऑस्ट्रेलिया को 94 रन की लीड मिल गई। लेकिन भारत के लिए अभी बुरी खबरें आनी बाकी थी। थोड़ी ही देर बाद खबर आई कि पंत को स्कैन के लिए ले जाया गया, वह फील्डिंग के लिए नहीं आएंगे। उनकी जगह रिद्धिमान साहा को कीपिंग का जिम्मा मिला। हालांकि विकेट के पीछे पंत का प्रदर्शन देख इसे अच्छी खबर मान सकते हैं। इसके बाद ऑस्ट्रेलियन ओपनर डेविड वार्नर और विल पुकोवस्की बैटिंग के लिए आए। साथ में टीम इंडिया भी मैदान में आई। टीम के साथ बैंडेज बांधे जडेजा भी थे। वे बाउंड्री के अंदर आए, उन्होंने कोच, फिजियो और कैप्टन के साथ लंबी चर्चा की और अंत में फैसला हुआ कि वे फील्डिंग नहीं करेंगे। उनकी जगह मयंक अग्रवाल फील्ड पर आए। जडेजा की चोट पर ताज़ा अपडेट यह है कि उन्हें भी स्कैन के लिए भेजा गया है। यह टीम इंडिया के लिए निश्चित तौर पर बुरी खबर है। जड्डू ने पहली पारी में 4 विकेट लेने के साथ एक रन आउट भी किया था। टीम को बॉलिंग और फील्डिंग दोनों में उनकी कमी महसूस होगी। आपके लिए खबर लिखी हमारे साथी सूरज ने। मेरा नाम है दिव्यांशी, देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया। फेसबुक पर क्या फैला, ट्विटर पर कौन हुआ ट्रोल, यूट्यूब की ट्रेंडिंग से लेकर इंस्टा के सब झोल, सोशल मीडिया की हर उठा पटक एक जगह, सोशल लिस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे दी लल्लन टॉप पर।